हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर नंबर 8 मोशन के बारे में। चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये हमने कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में। जो स्टूडेंट्स उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जा करके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 मोशन को कंप्लीट करेंगे और एक एक हेडिंग, एक एक टॉपिक को क्लियर करके चलेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं रेस्ट। रेस्ट होता क्या है, किस पोजीशन को हम रेस्ट बोलेंगे, किस पोजीशन को हम मोशन बोलेंगे, इन सभी को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट या फिर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी बॉडी है उसको हम स्टेट ऑफ रेस्ट में कब बोल सकते हैं, जब उसकी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में या फिर रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो, तो उस बॉडी को या फिर उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे रेस्ट। तो कोई भी बॉडी अगर उसकी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में या फिर रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है, तो वो बॉडी या फिर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहलाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर डेफिनेशन है मोशन। मोशन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज होती है, तो उस मोशन को हम बोलेंगे कि वो मोशन में है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों डेफिनेशन देखी कि एक ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती उसको हम बोलेंगे रेस्ट, और कोई ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती है उसको बोलेंगे हम मोशन में। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, उसको आप देख लीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पोजिशन या फिर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। कहने का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो हमें क्या है, मूविंग कंडीशन में दिखाई देता है वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। अगर कोई पर्सन जो है दूसरे पर्सन के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी पोजिशन में है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट हमें मूविंग कंडीशन में दिखाई देगा। जैसे फॉर द पैसेंजर्स इन ए मूविंग बस, मूविंग बस में जो पैसेंजर्स हैं वो स्टेशनरी पोजिशन में है, बट जो भी बस है वो मूविंग कंडीशन में है। बट यहाँ पर बोला गया द रोड साइड ट्रीज अपीयर्स टू बी मूविंग बैकवर्ड्स। जब हम किसी बस में बैठते हैं और वो बस जो है मूविंग कंडीशन में है, तो रोड के पास खड़े हुए जो भी पेड़ होंगे वो हमें पीछे की तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव्स द बस अलोंग विद द पैसेंजर्स एज मूविंग। अगर कोई पर्सन रोड के साइड में खड़ा हुआ है, तो उसको बस के अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए हैं वो बस के साथ साथ मूविंग कंडीशन में दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम मोशन को समझ सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि मोशन और रेस्ट एक दूसरे के रिलेटिव टर्म होते हैं। ठीक है, तो हमें जो है अगर हम मोशन में नहीं है तब भी हम दूसरे को मोशन में दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि रोड पर खड़ा हुआ जो भी इंसान था वो बस में बैठे हुए इंसानों को मूविंग कंडीशन में दिखाई देगा, और रोड पर जो खड़ा हुआ कोई भी पर्सन है उसमें बस में बैठे हुए जो पैसेंजर है वो उसको मूविंग कंडीशन में दिखाई देंगे। तो इसलिए बोला गया कि मोशन और रेस्ट एक दूसरे के रिलेटिव टर्म होते हैं। तो हम मोशन की डेफिनेशन आप किस तरीके से बता सकते हैं कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजिशन चेंज कंटिन्यूसली विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट या विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी बॉडी है उसको हम स्टेट ऑफ मोशन में बोल सकते हैं जब उसकी पोजिशन कंटिन्यूसली यानी कि लगातार टाइम के रेस्पेक्ट में या फिर रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज होती है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। मोशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ पाथ बाई विच द ऑब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू। मोशन को डिफरेंट टाइप से हम जो है डिफाइन कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं, लेकिन कंडीशन उसकी ये है कि किस पाथ पर, किस तरह के या किस टाइप के पाथ पर
वो मूव करता है उसी के अकॉर्डिंग हम जहाँ पर मोशन को कंसिडर करते हैं, जैसे सर्कुलेटरी मोशन है या फिर सर्कुलर मोशन है। इसमें सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको सर्कुलेटरी या फिर सर्कुलर मोशन कहेंगे। लीनियर मोशन हम कब कहेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है या फिर एक रोड पर मूव करता है स्ट्रेट लाइन में सीधा मूव करता है उसको लीनियर मोशन कहेंगे। ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन कब कहेंगे, टू एंड फ्रो पाथ। टू एंड फ्रो पाथ का मतलब क्या है, ये एक मेन पोजिशन है इसके आगे और इसके पीछे इस तरीके से ये मूव करता है, तो ये है वाइब्रेटरी मोशन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब ये इसका ओरिजिन हुआ और यहाँ पर ये पोजिशन को इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, तो मोशन जो है तीन टाइप से हम बता सकते हैं, सर्कुलेटरी जिसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन और ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। आगे हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि मोशन को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, आइए देखते हैं। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग ए रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम जो है मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर हमने बनाया कि ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ये चारों जो है हमने साइड लिख दी हैं और हमने ये कहा कि मान लिया एज्यूम दैट ए स्कूल इन विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। ठीक है, यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है और इसके 2 किलोमीटर नॉर्थ में, 2 किलोमीटर नॉर्थ में एक स्कूल है। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजिशन ऑफ द स्कूल, तो हम इस स्कूल की पोजिशन को किस तरीके से स्पेसिफाई करें। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, द स्टेशन, द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट। मान लिया कि ये रेलवे स्टेशन जो है रेफरेंस पॉइंट है। टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल द ओरिजिन, जिस पॉइंट पर हम खड़े होकर के उस स्कूल की पोजिशन बता सकते हैं तो उस रेलवे स्टेशन को हम रेफरेंस पॉइंट यानी कि ओरिजिन मान करके चलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या माना कि ये जो है रेलवे स्टेशन यहाँ पर और इसको हमने माना है स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि नॉर्थ में यानी रेलवे स्टेशन से नॉर्थ में 2 किलोमीटर पर स्कूल है। ठीक है, तो जिस पोजीशन पर हम खड़े रहते हैं उस पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं या फिर उसको ओरिजिन बोला जाता है। तो हम यहाँ पर इस पॉइंट पर खड़े हुए हैं तो इस पॉइंट पर जब खड़े हैं तो हमारे नॉर्थ में 2 किलोमीटर जो है वो स्कूल है, इस तरीके से हम यहाँ पर बोल सकते हैं। अब बताती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, मतलब वे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके पास अपना मैग्नीट्यूड यानी कि अपनी वैल्यू तो होती है बट उनके पास डायरेक्शन नहीं होती, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ये सभी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो बोल सकते हैं कि इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओन मैग्नीट्यूड, अपना मैग्नीट्यूड तो उनके पास होता है बट डायरेक्शन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो डिस्टेंस और स्पीड इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़े वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। इसमें एग्जाम्पल लिखें तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बात आती है डिस्टेंस की। कई बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़ होते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में किस तरीके से हम डिफरेंस बता पाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा क्लियर हो जाएगा। द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू इट्स फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस। जो भी ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी में या फिर जर्नी के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग का मतलब क्या है कि जर्नी के दौरान कोई भी पाथ ट्रेवल करता है तो उस पाथ की जो लेंथ होगी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। एग्जाम्पल हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस 0 पॉइंट से ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के गया और फिर से ये 100 तक जा कर के इस 35 तक वापस आया, तो अगर हम इसकी डिस्टेंस निकालें तो जो पाथ इसने फॉलो किया उसकी एक्चुअल लेंथ हम निकाल सकते हैं तो उसी को हम डिस्टेंस बोलेंगे। तो देखिए 100 तक तो ये यहाँ पर गया और फिर 100 से 35 तक यहाँ पर आया, इसका मतलब क्या है कि ये 65 तक यहाँ तक चला था,
तो 100 तो ये है और 65 ये हुआ, तो 100 प्लस 65 165 किलोमीटर इसकी कुल डिस्टेंस होगी। इसी के साथ साथ देखें तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, अभी हमने ऊपर बताया था। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट को कैसे समझें। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या फिर शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो ज़ीरो से चला है और कहाँ तक आया है, वही 100 तक चल करके 35 तक ये लौट करके आ गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कहेंगे ये 35। तो केवल 35 ही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब अगर एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, हम कितने भी दूर तक घूम करके आते हैं लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। हम घूम करके कहीं पर भी आए उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जिस पाथ को हम फॉलो करते हैं वो पाथ की लेंथ कहलाती है डिस्टेंस, और जो दोनों पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, देखिए घूम कर तो हम यहाँ तक आए लेकिन इस पाथ की लेंथ से हमें मतलब नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट में केवल हम दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको ही मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 35 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है। कैसे ज़ीरो होगा आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अभी हम ए पॉइंट से चले और इस तरीके से बी पॉइंट तक पहुँचे, ठीक है। तो अगर बी पॉइंट तक पहुँचे हैं तो हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लेंगे ये 2r, ठीक है। लेकिन अगर हम ये करें कि ए पॉइंट से चले और फिर हम इस तरीके से आकर के ए पॉइंट पर ही पहुंच गए, तो इनिशियल पॉइंट यानी कि यहाँ से ही चले थे, फाइनल पॉइंट यहीं पर ही वापस आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ज़ीरो। लेकिन टोटल डिस्टेंस जो इसकी सर्कमफेरेंस है वो हो जाएगी 2πr, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार डिफरेंस और जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस मालूम करते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस देखिएगा, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया गया यानी कि चला गया उसी की लेंथ डिस्टेंस कहलाती है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, वही जो है डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ये फिर शॉर्टेस्ट पाथ होगा। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस में देखिएगा, डिस्टेंस रिमेंस पॉजिटिव, कैन नॉट बी ज़ीरो और निगेटिव। डिस्टेंस जो है पॉजिटिव होती है, ना तो वो ज़ीरो हो सकती है और ना ही निगेटिव हो सकती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो पॉजिटिव और निगेटिव और ज़ीरो, ये जो है तीनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो डिस्टेंस कभी निगेटिव और ज़ीरो नहीं होती, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव और ज़ीरो हो सकता है। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है लेकिन कांट बी लेसर, कभी छोटी नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, ठीक है, और इट्स लेसर देन डिस्टेंस, और डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है, बट कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी डिस्टेंस नहीं हो सकती। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। आइए देखते हैं, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन। जब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करे तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि कभी भी आपको यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना हो तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। वो कैसे, मान लीजिए यहाँ पर है मिनट और यहाँ पर है मीटर में डिस्टेंस, 5 मिनट में वो 10 मीटर जो है डिस्टेंस चलता है। जब वो पहले 5 मिनट में 10 मीटर डिस्टेंस चला है तो अगले 5 मिनट में भी उसको 10 मीटर ही चलनी होगी, और अगले 5 मिनट में उसको फिर से 10 मीटर चलनी होगी, यानी कि हर 5 मिनट के गैप में वो सेम 10 मीटर डिस्टेंस ही आगे बढ़ता है, और इसी मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ देख लीजिएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगा। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स
अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर बोल सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों में से कुछ भी अनइक्वल कर दें हम यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ कि जब कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करती है तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों का ग्राफ को आप देख लीजिएगा, ये है जब डिस्टेंस जो है इंक्रीज होती है और ये है जब डिस्टेंस डिक्रीज होती है। इस तरीके से जो है ये दोनों ग्राफ आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। सबसे पहले रेट ऑफ मोशन का मतलब जान लीजिए कि टाइम के रेस्पेक्ट में, तो स्पीड क्या होती है, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, या फिर बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इस तरीके से भी हम स्पीड को बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, तो एस अपॉन टी इसको लिख सकते हैं। तो वी इक्वल टू एस अपॉन टी, और यूनिट हमेशा याद रखिएगा मीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो है वो होता है डिस्टेंस स्पीड। स्पीड के बारे में कुछ और जान लेते हैं। इफ ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, देन देयर विल बी ए कॉन्स्टेंट स्पीड, या फिर यूनिफॉर्म मोशन, तो वो हमेशा कॉन्स्टेंट स्पीड ही रखती है। स्पीड इज ए स्केलर क्वान्टिटी, ये हम सभी जानते हैं। इफ़ ए बॉडी इज ट्रेवलिंग विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देन द स्पीड विल नॉट रिमेन यूनिफॉर्म बट हैव डिफरेंट वैल्यूज थ्रू आउट द मोशन ऑफ सच बॉडी। अगर कोई बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती और ना ही उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट हो सकती है थ्रू आउट द मोशन ऑफ द सच बॉडी। ऐसी बॉडी पूरे मोशन में जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को फॉलो करती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो एवरेज स्पीड विल डिस्क्राइब, एवरेज स्पीड को डिस्क्राइब कर सकते हैं वन सिंगल वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू में ऑफ स्पीड थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी। यानी कि जब स्पीड रेगुलर जो है इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बनता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम एवरेज स्पीड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर्मूला बन जाता है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, कि टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की और कितने टाइम में की, इसका रेशो एवरेज स्पीड कहलाता है। कन्वर्जन फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर ये कन्वर्जन फैक्टर काफ़ी ज़्यादा काम आता है, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल करने में हेल्प होती है। चेंज फ्रॉम 1 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ये दोनों फैक्टर आप जानते हैं कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होते हैं। तो 1 किलोमीटर अगर देखें तो 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर जो है 1000 मीटर तो है, लेकिन मिनट को फिर से हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 × 60 सेकेंड आएगा। 1000 × 60 जो है 3600 आएगा, तो मीटर पर सेकेंड में ही चलता रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 10/35, और यहाँ पर 10/36 को लिख सकते हैं 5/18, और 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी हम बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होते हैं, ठीक है। इस फैक्टर को याद रखिएगा। देखिए वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड विद डायरेक्शन, यानी कि स्पीड जो है वो डायरेक्शन के साथ अगर हम देखें तो वो कहलाती है वेलोसिटी। इट इज़ द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन गिवन डायरेक्शन, जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। तो बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और इट्स वैल्यू चेंज व्हेन आइदर इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज। अगर हम डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड को चेंज करते हैं तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन ए गिवन लाइन एवरेज वेलोसिटी विल बी कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज डन इन एवरेज स्पीड। जैसे हमने एवरेज स्पीड को जो डिस्क्राइब किया था, वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में एवरेज वेलोसिटी को हम निकाल सकते हैं। तो देखिएगा कैसे, उसमें टोटल डिस्टेंस था, यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ जाएगा, बस इतना ही अंतर है। लेकिन जब हम आगे यहाँ पर करते हैं तो देखिएगा फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म तरीके से चेंज होती है तो एवरेज वेलोसिटी जो है अलग हो जाती है। एवरेज वेलोसिटी आएगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, यानी कि u प्लस वी अपॉन 2, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला होता है यूनिफॉर्मली चेंज, और नॉन यूनिफॉर्मली चेंज में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा।
यहाँ पर अगर देखें तो जो यू है वो है इनिशियल वेलोसिटी और जो वी है वो है फाइनल वेलोसिटी। ऐसा यूनिट की बात करें तो स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जो यूनिट है वो हमेशा सेम होती है, ठीक है। तो स्पीड की जो यूनिट है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है। इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ये निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकती है, यानी कि जो वैक्टर क्वान्टिटी है वो निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकती है। आगे बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। यहाँ से आप डेफिनेशन को लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन आपकी काफ़ी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम ए से लिखते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यहाँ पर अगर देखें तो v जो है वो हमेशा बड़ा होगा u से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी हमेशा यहाँ पर बड़ी होगी। a जो है वो पॉजिटिव रहेगा, तो a अगर पॉजिटिव है उसी को हम एक्सेलरेशन बोलेंगे, वरना डी एक्सेलरेशन बोला जाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डी एक्सेलरेशन या फिर बोल सकते हैं रिटार्डेशन, दोनों ही नाम से इसको लिख सकते हैं। तो डी एक्सेलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही होता है। क्यों? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में या तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी या वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन कहलाएगा, वेलोसिटी अगर डिक्रीज होती है तो डी एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, डी एक्सेलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ड्यूरिंग डिक्रीज इन वेलोसिटी विद टाइम। अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन कहलाएगा, और टाइम के रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन कहलाएगा। इट हैज सम डेफिनेशन एज सेम डेफिनेशन एज एक्सेलरेशन, बस यहाँ पर डिक्रीज आएगा। डी एक्सेलरेशन को ए डैश से हम डिनोट करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि वी माइनस यू ही आएगा, लेकिन बस यहाँ पर एक जो है निगेटिव वैल्यू आ जाती है, जिससे कि जो यहाँ पर वेलोसिटी है फाइनल वो इनिशियल वेलोसिटी से कम होती है। क्यों? जो इनिशियल वेलोसिटी थी तो धीरे धीरे जाकर के डिक्रीज होती है, तो फाइनल वेलोसिटी उससे कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमेशा वैल्यू निगेटिव में आती है। तो अगर वैल्यू निगेटिव में है उसको बोलेंगे डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, और अगर वैल्यू एक्सेलरेशन की पॉजिटिव में है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पर बात करें तो इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज बाई इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज और इंक्रीज होती है सेम अमाउंट से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म रेट से, यानी कि वेलोसिटी जो है चेंज होती है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज वेलोसिटी हमें मिलती है, लेकिन अनइक्वल अमाउंट में कभी ज़्यादा वेलोसिटी कम होती है, कभी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ जाती है, सेम अमाउंट से वेलोसिटी नहीं कम हो रही ना ही ज़्यादा, तो सेम अमाउंट से वेलोसिटी चेंज नहीं होती है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर सेम अमाउंट से वेलोसिटी चेंज होती है तो बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और अगर अनइक्वल अमाउंट यानी कि सेम अमाउंट में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन की, तो सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को एसटी ग्राफ भी बोलते हैं, और इसका एक नाम और है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इन तीनों नाम को आप याद रखिएगा, किसी भी नाम से आपको एग्जाम में मिल सकता है। सबसे पहले एसटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, तो यूनिफॉर्म मोशन में हम सभी जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो सेम अमाउंट में वेलोसिटी चेंज होगी सेम टाइम इंटरवल में, तो उसी को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस है और यहाँ पर ये टाइम है। तो हमने क्या देखा कि T1 टाइम में S1 डिस्टेंस ट्रैवल करता है, T2 टाइम में S2 डिस्टेंस ट्रैवल करता है। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो सेम अमाउंट का जो है ये ग्राफ बन जाता है। तो ये यूनिफॉर्म का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, ये आप बात ध्यान रखिएगा, ये बात हमेशा ध्यान होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्पीड इक्वल टू S2 मतलब क्या है फाइनल पोजीशन माइनस S1 इनिशियल पोजीशन अपॉन T2 माइनस T1, ये जो है हमारे स्पीड का फॉर्मूला आ जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से।
अब एसटी ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का इंक्रीज इन वेलोसिटी और डिक्रीज इन वेलोसिटी का दोनों अलग अलग बनते हैं। देखिए लिखा भी हुआ है कि कंटिन्यूस इंक्रीज इन स्लोप, कंटिन्यूसली है इंक्रीज कर रहा है ऑफ कर्व इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट्स करता है कि एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर यहाँ पर देखते हैं कंटिन्यूसली जो है ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डी एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि कंटिन्यूसली ये देखिए ये डिक्रीज कर रहा है और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर है एक्सेलरेशन और यहाँ पर है डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमने बताया था कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो डी एक्सेलरेशन होगा, उसी को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। एसटी ग्राफ फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में, तो हमने क्या माना कि जीरो टाइम पर कोई बॉडी इस एस कंडीशन में, यानी कि इतनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर ली, अगले टी टाइम में देखेंगे तो तब भी उसने इतनी ही डिस्टेंस कवर की है, और आगे टाइम में जाकर के देखेंगे तब भी ये सेम डिस्टेंस को कवर किए बैठा है। तो इसका मतलब क्या है, ये टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहलाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा रेस्ट का मतलब क्या है, वेलोसिटी जीरो होती है, तो एस टू माइनस एस वन करेंगे तो दोनों ही सेम है, यानी कि एस वन इक्वल टू एस टू है, तो दोनों ही क्या होंगे माइनस में आकर के आपस में कट जाएंगे और आंसर जीरो आएगा। तो वेलोसिटी जिसकी जीरो है तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। यहाँ पर अगर बात करें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वी टी ग्राफ को बोलते हैं। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, एक तरफ वेलोसिटी होगी एक तरफ टाइम होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि जब हमने स्टार्टिंग टाइम में देखा तब भी वेलोसिटी इतनी थी, और आगे जब नेक्स्ट टाइम देखा तब भी वेलोसिटी वही है, और नेक्स्ट टाइम आगे और देखा तो तब भी वेलोसिटी उतनी ही है। इसका मतलब क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज नहीं है। तो यहाँ पर वी टू इक्वल टू वी वन है, तो तब हम यहाँ पर देखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं है। जब यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं है तो हमेशा एक्सेलरेशन कैसा होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पर आप बात कर लीजिए, देखिए वी टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, देखिए एक तरफ वेलोसिटी एक तरफ टाइम है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में रेगुलर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देयर विल बी इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, मतलब रेगुलरली टाइम के साथ साथ वेलोसिटी का सेम अमाउंट में बढ़ते रहना, यही यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है। वीटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें तो क्या होता है कि कभी ज़्यादा वेलोसिटी इंक्रीज होती है, कभी कम वेलोसिटी इंक्रीज होती है, टाइम वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती है। तो देखिएगा यहाँ से टी वन टाइम में इतनी वेलोसिटी को इंक्रीज किया, लेकिन टाइम भी ज़्यादा है और यहाँ पर वेलोसिटी कम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि टाइम भी अनइक्वल हो गया और वेलोसिटी भी अनइक्वल हो गई, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो जो टी वन टी टू का टाइम का डिफरेंस है ये वाला, ये जो है इक्वल नहीं है इस टाइम के, यानी कि दोनों टाइम जो हैं अलग अलग हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखें कि ये वी वन वेलोसिटी और ये v2 वेलोसिटी तक जो भी डिफरेंस है वो दोनों ही अनइक्वल हैं, तो जब हम देखेंगे इन दोनों को तो एक्सेलरेशन भी अनइक्वल आएंगे, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसके बात करें तो vt ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेशन, हमने बताया था डी एक्सेलरेशन जहाँ भी आ जाए या फिर रिटार्डेशन जहाँ पर भी आ जाए, तो उसका मतलब ये होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करता हुआ आपको नज़र आएगा। तो फर्स्ट पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी ये है, थोड़े टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कम हो गई, और टाइम बाद देखा तो उसकी वेलोसिटी और कम हुई, और नेक्स्ट टाइम देखा तो उसकी वेलोसिटी और कम हुई। तो देखिए वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती आ रही है, तो जहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज होती है वहाँ पर डी एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि सेम अमाउंट से वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो इसका मतलब क्या है कि ये यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन है। ठीक है,
तो सेम अमाउंट से वेलोसिटी डिक्रीज होती है सेम अमाउंट ऑफ टाइम में, तो यहाँ पर डी एक्सेलरेशन दोनों पोजिशन का इक्वल आएगा। इसमें अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो सेम अमाउंट से वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होती। देखिए ये अमाउंट कुछ और है, ये अमाउंट कुछ और होगा, ये अमाउंट जो है कुछ और है, ठीक है। ऐसे ही टाइम में देखेंगे तो टाइम का देखिए ये कितना ज़्यादा गैप है, ये कितना कम है और ये उससे भी कम है। इसका मतलब क्या है कि सेम टाइम नहीं है और ना ही सेम टाइम सेम अमाउंट में वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। तो इसमें हम देखेंगे कि वी टू माइनस वी वन का जो डिफरेंस है वो वी थ्री माइनस वी टू के इक्वल नहीं है, और जब ऐसा होता है तो हम इसको बोलते हैं डी एक्सलरेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर डी एक्सलरेशन की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। नोट पॉइंट में देख लीजिएगा, द एरिया एनक्लोज बिटवीन एनी टू लाइन्स इंटरवल इज टी वन माइनस टी टू इन वी टी ग्राफ विल रिप्रेजेंट द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी। मतलब क्या है कि एनक्लोज्ड एरिया दो टाइम इंटरवल का वी टी ग्राफ में वो रिप्रेजेंट करता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। आइए देखते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बिटवीन टी टू एंड टी वन। देखिए टी टू और टी वन में जितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी के अंदर हुआ उसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी का कौन सा एरिया है, यहाँ पर देखिए ए बी सी का ये एरिया हुआ और प्लस में एरिया ऑफ ए सी डी बी, तो ए सी डी बी का एरिया हमारे पास ये है, देखिए ए यहाँ पे ए सी और डी ई, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1/2 ए सी इंटू बी सी और ए डी इंटू डी ई। इस तरीके से हम जो है इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आपको नहीं करना है। आगे बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप देख लीजिएगा कि इफ़ ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड में मोशन करती है या मूव करती है तो देन इट इज सेट टू बी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन, तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्ट है वो इस सर्कुलर पाथ पर सेम वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे और उसमें कहेंगे यूनिफॉर्म में, क्लियर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ कि व्हेन ए बॉडी यानी कि इफ ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इन सच ए मोशन द स्पीड मे बी सेम थ्रू आउट द मोशन बट इट वेलोसिटी इज डिफरेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। मतलब क्या है, हमने कहा था कि अगर वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो हम उसको चेंज इन वेलोसिटी मानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन इसकी क्या है, चेंज है। जब डायरेक्शन चेंज होती है तो साथ ही साथ वेलोसिटी भी चेंज होती है, ये हमने पहले ही आपको बता दिया था। दस द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन एन एक्सेलरेटेड मोशन, जब वेलोसिटी चेंज होती है तो इसका मतलब क्या है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर एक्सेलरेशन भी कहलाएगा। हम जानते हैं कि सर्कमफेरेंस जो है किसी सर्किल की वो 2πr होती है और एथलीट टेक टी सेकेंड्स वन राउंड गो टू द सर्कुलर पाथ। मान लो कि एक एथलीट है वो पूरे सर्कुलर पाथ को कवर करने में 30 सेकेंड्स का टाइम लगाता है, रेडियस है r, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इक्वल टू जो डिस्टेंस कितनी कवर की उसने 2πr और कितना टाइम लगाया t, तो जो वेलोसिटी है v इक्वल टू 2πr अपॉन t हो जाती है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन को आप इस तरीके से ही बोल सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो उस मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका यह चैप्टर नंबर 8 मोशन एंड हो जाता है और टोटल जो टॉपिक हैं वो आपके हमने इसमें कवर किए हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।